गोंदिया जबलपुर ट्रेन न चलना क्या सांसद की नाकामी। मेहरा तालाब में अतिक्रमण हटाने भेदभावपूर्ण कार्रवाई के विरोध में आमरण अनशन प्रारंभ। और बालाघाट में एक ही दिन में मिलने लगे 149 कोरोना मरीज, संख्या हुई 356। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गोंदिया से जबलपुर ब्रॉडगेज योजना एक बहुउद्देशीय, बहुजन उपयोगी और बहुप्रतीक्षित थी, जिसे पूरा हुए 2 साल होने को आए लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं दौड़ी। जो गोंदिया से जबलपुर तक पहुंची हो, जबकि इस ब्रॉडगेज से जुड़ने वाले 2 सांसद भगत सिंह कुलस्ते और राकेश सिंह ने अपने जिलों का संपर्क आपस में करते हुए पैसेंजर ट्रेन चलवा दी है। इस ब्रॉडगेज योजना से लाभान्वित होने वाले सभी जिलों में सत्तारूढ़ भाजपा के सांसद हैं। 2 सांसद काफी हद तक सफल होते हुए नजर आते हैं, वही बालाघाट सांसद इस मामले में नाकाम साबित हुए हैं। जिले की बदकिस्मती है या सांसद की कमजोरी या सांसद की कहीं सुनवाई न होना, कुल मिलाकर ब्रॉडगेज बन जाने के बाद इसका पूरा लाभ न मिल पाना कहीं न कहीं सांसद के प्रयासों में प्रश्नचिन्ह लगते हुए नजर आ रही है। नगरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 बूढ़ी स्थित मेहरा तालाब से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा भेदभावपूर्ण किए जाने के विरोध में महाकौशल राष्ट्र पार्टी के नेतृत्व में पीड़ितों द्वारा शहर के बस स्टैंड परिसर में गुरुवार से आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया गया है। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि मेहरा तालाब में काफी साल से अतिक्रमण कर मकान बनाकर रह रहे हैं, शासन ने वहां सड़क और बिजली पानी की सुविधा की गई है लेकिन एनजीटी के दबाव में आकर राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन द्वारा इन्हें बेदखल करने का कार्य कर रही है और अतिक्रमण तोड़ने दबाव बनाया जा रहा है। इनका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा किए जा रहे अवैधानिक और भेदभावपूर्ण कार्रवाई के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। मेहरा तालाब बूढ़ी वार्ड नंबर 14 में इसमें बहुत सारे अतिक्रमण करके मकानात बने हुए हैं और सब अरसे से रह रहे हैं, ये लोग भी जो है लंबे समय से रह रहे हैं। शासन ने वहाँ पर सड़क भी बनवाई है, वहाँ पर बिजली भी उपलब्ध कराया है, NOC भी दिया है, सारी चीज़ें जो है कानून कायदे के अंदर है। अब NGT के एक आदेश के कंप्लायंस के लिए ये जो है किसी पता नहीं किसी राजनीतिक दबाव में आकर के प्रशासन जो है इन्हें बेदखल करने, इन्हें जो है इनका मकान तोड़ने और इन्हें जो है बेघर करने की कोशिश कर रहा है। सेकंड अपील चल रही है और सेकंड अपील में हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, आज भी स्टे बरकरार है। और ये मनोरमा बाई ने जो है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में भी जो है उपस्थित होकर के वहाँ पर उन्होंने पार्टी बनने का आवेदन दिया। प्रशासन के दो मुइयां रवैया के खिलाफ में आज हम लोग मैडम के साथ बैठे हुए हैं, जो वार्ड नंबर 14 में मेहरा बूढ़ी तालाब में अतिक्रमण के विरुद्ध जो अल्टीमेट जारी हुआ है उसके विरुद्ध में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के विरोध में वहाँ पे जो रणनीति अपनाई जा रही है वो दबाव में आकर के प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रही है, आधे लोगों को विस्थापित कर रही है, आधे लोगों के साथ में जो दुर्व्यवहार कर रही है उसके विरोध में हम प्रशासन से मांग रखने के विरोध में यहाँ पे आज महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी सपोर्ट में मैडम के साथ प्रशासन से मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही है। बालाघाट में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि एक ही दिन में 149 मरीज मिल रहे हैं, फिर भी जिले में प्रशासनिक हमला सड़क पर उतर कर रोको टोक अभियान करने के बावजूद भी उनकी आंखों में धूल झोंक कर बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि 2 फरवरी की रिपोर्ट में जिले के 149 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए। इस प्रकार से जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 356 हो गई है। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने आरोपी अखिलेश पंचेश्वर, पिता प्रेमचंद राजकुमार जमरे उर्फ पीतम, दोनों निवासी जरामोह गांव थाना और तहसील कटंगी को मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए 1-1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम निदेवाड़ा में पुरानी बातों को लेकर 2 पक्षों में विवाद होने पर मारपीट कर धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि निदेवाड़ा निवासी महेंद्र लांजेवार ने थाने में शिकायत दी कि बुधवार को करीब 9 बजे पड़ोस के ही लखनलाल सोनवाने, रामेश्वरी और शुभम सोनवाने ने एक राय होकर गाली देकर हाथ मुक्कों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। वहीं दूसरे पक्ष ने रामेश्वरी सोनवाने ने थाने में शिकायत दी कि महेंद्र लांजेवार मीराबाई ने गाली देकर मारपीट कर धमकी दी। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला कायम कर जांच में लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।